नमस्कार। जोमैटो इंडिया एक बार फिर विवादों में है। विवाद की वजह है जोमैटो का गोल्ड मेंबरशिप कार्यक्रम। इसके मेंबर्स को दरअसल गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम लेने वाले मेंबर्स को फूड और ड्रिंक्स पर जोमैटो 50% तक डिस्काउंट देता है। ऐसी स्कीम कस्टमर्स को ऑर्डर पर डिस्काउंट देती है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के मुताबिक रेस्टोरेंट को सिक बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते रेस्टोरेंट अपना नाम जोमैटो गोल्ड इजी डाइनर और डाइन आउट गॉरमेट पासपोर्ट जैसे प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं और उन्होंने एक मुहिम चलाई है, लॉग आउट मुहिम। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत दिल्ली मुंबई समेत कुछ शहरों में रेस्टोरेंट इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेंद्र गोयल जो फाउंडर हैं जोमैटो इंडिया के, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने बार्गेन हंटर्स जो एक ट्विटर ने उनके खिलाफ और जोमैटो के खिलाफ यूज किया था, बार्गेन हंटर्स शब्द का इस्तेमाल किया जिससे कई यूजर्स नाराज हो गए। यूजर्स ने पूछा कि बार्गेन हंटर्स यानी कि मोल भाव करने वाले कहकर वो अपने ही कस्टमर्स की बेइज्जती कर रहे हैं या अपने ही कस्टमर्स को नीचा दिखाना चाहते हैं। 10 लाख लोगों ने जोमैटो गोल्ड की मेंबरशिप ली है। जोमैटो पर यह भी आरोप लगा है कि वो अपने पार्टनर की एक नहीं सुनता बल्कि जबरन अपनी बात थोप देता है। एक यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है आप लोग अब कंट्रोल में नहीं है, आपकी टीम अब जवाब तक नहीं देती, आप रेस्टोरेंट पार्टनर का भी जवाब नहीं देते, कोई भी काम कराने में महीनों लग जाते हैं। जी हां, जोमैटो ये वही नाम है जो हाल के कुछ महीनों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कभी उसके डिलीवरी बॉय को आपने ग्राहकों का खाना खाते हुए देखा होगा जिसे पहले वो खा लेता है और फिर पैक करके उसे ही डिलीवर कर देता है, उसी खाने को डिलीवर कर देता है। आपने जोमैटो के गुंडों को बीच सड़क पर बदतमीजी करते हुए भी देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि पुलिस का रौब भी उन पर कोई असर नहीं डालता है। अब जोमैटो का एक नया किस्सा आपने कुछ ही दिन पहले देखा, कैसे एक हिंदू जो कि नॉनवेज नहीं खाता है और इसी वजह से वो नॉनवेज डिलीवर करने वाले से खाना लेने से इनकार कर देता है, तो इसे एक मुद्दा बना दिया जाता है। क्योंकि जोमैटो को पता था कि धर्म के नाम पर जब इसकी मार्केटिंग की जाएगी तो उसकी अपनी मार्केटिंग चल पड़ेगी और इस पर जोमैटो बड़ा बड़ा ज्ञान झाड़ने लगता है। जोमैटो कहता है कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपने ही बात से कैसे पलट जाता है आप वो भी देखिए। उसी जोमैटो से एक मुस्लिम ग्राहक हलाल मीट ना मिलने की शिकायत करता है तो जोमैटो माफी वाली मुद्रा में आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जोमैटो का दोहरा चरित्र भारत देख रहा है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भाषण देने वाले जोमैटो की सच्चाई आज बेपर्दा होती जा रही है। रघुनंदन एस प्रसाद ने एक खुला खत लिखा है। अब आप पूछेंगे कि रघुनंदन एस प्रसाद कौन है। रघुनंदन एस प्रसाद उस फ्रेंचाइज का हिस्सा रह चुके हैं जिसमें 1200 रेस्टोरेंट ने एक साथ गोल्ड फ्रेंचाइज से हटने की चेतावनी दी थी। रघुनंदन एस प्रसाद एक फ्रेंचाइज चेन चलाते हैं, उनके कई रेस्टोरेंट्स हैं और उन्होंने जोमैटो से सब्सक्रिप्शन ले रखा है। उन्होंने अपने ओपन लेटर में जोमैटो की पूरी कलई खोल कर रख दी है। ISP ग्रेड और रेस्टोरेंट चेन के मालिक रघुनंदन एस प्रसाद ने तो जोमैटो को तमाचा मारा है जोर का। एस रघुनंदन ने लिखा है कि जरा सोचिए, यदि मैं भी जनता से आपकी कंपनी के CEO या कर्मचारी को रेट करने की बात करूं और मैं ये बताऊं कि आप किस तरह से काम करते हैं, ये अच्छी बात है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार के लिए ग्राहकों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया है या उन्हें मौका दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक निजी मामला है। ग्राहकों से उसका फीडबैक लेने के लिए हमारे अपने तरीके हैं। वैसे भी ग्राहकों की संतुष्टि से ही हमारा कारोबार चलता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन इस मुद्दे में आपको पक्षपात करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 साल पहले रेटिंग सिस्टम को बदला गया तो मुझे पता था कि हालात बिगड़ जाएंगे। मैंने आपको एक मेल भेजा था और कहा था कि प्लीज नए रेटिंग सिस्टम को समझाया जाए, लेकिन मुझे गोलमोल जवाब मिला और बदले में एक परसेंटाइल ग्रेड सिस्टम का हवाला दे दिया गया, जिसको समझना एक आम रेस्टोरेंट मालिक के बूते की बात नहीं है। इस रेटिंग सिस्टम से मेरे कारोबार का रेटिंग 3 पॉइंट नीचे गिर गया, जबकि विद्यार्थी भवन और अन्य जगहों की रेटिंग बढ़ गई। आप तो हमारे उद्योग के लिए नए नियम तय कर रहे थे। कोई भी आपके ऐप को गंभीरता से नहीं लेगा यदि आप एक पुराने रेस्टोरेंट को कम रेटिंग दे और नए रेस्टोरेंट को ज्यादा। वैसे भी नई जगहों को कोई ज्यादा महत्व देता नहीं है, ग्राहक उसे घटिया जगह बताकर पल्ला झाड़ सकते हैं।
आप नए रेस्टोरेंट से पैसे कमाते हैं जो आपके साथ एडवर्टीजमेंट करते हैं। रेटिंग्स को लेकर आपका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। जोमैटो गोल्ड वाले मामले में भी आपका रवैया यही था। कल तक हमारे विरोध पर आपका ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही आपको हमारे लॉग आउट मुहिम के बारे में पता चला तो आपने हमारे पार्टनर्स को धमकी भरे मेल भेजे। याद रखिए, हम आपके पार्टनर्स नहीं हैं, हम आपके ग्राहक हैं। आप बस एक महिमा मंडित दलाल हैं जो हमारे उन उत्पादों का सारा क्रेडिट ले जाते हैं जो हम बड़ी मेहनत से अपने ग्राहकों को बेचते हैं। एक तरफ रेस्टोरेंट समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए और बाकी एग्रीगेटर रेस्टोरेंट समुदाय से शर्मिंदा होकर माफी मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आपने अपने डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और रेस्टोरेंट के लिए अपने नियम और सख्त कर दिए, और यदि नियमों का पालन नहीं होता तो उन पर पेनाल्टी लगा देते थे, और ये सब अपने ग्राहकों की सेवा के नाम पर किया जा रहा था। माफ कीजिएगा, पर ये ग्राहक तो आपके अपने कभी थे ही नहीं। आप केवल एक डिलीवरी एजेंसी हो, बस अपना काम करते रहो और खाना पहुंचाओ। इस रास्ते को निगलने की कोशिश ना करो। आपने एक बेहद धमकी भरे मेल में कहा कि लॉग आउट अभियान से जुड़ने के परिणाम कैसे होंगे। आपने कहा कि हमें ऐसा करने से पहले 45 दिन का नोटिस देना होगा। यहां तक कि आपने तो विरोध करने पर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तक की बात कह डाली। आप हमारे ऊपर गुटबाजी का आरोप लगा रहे हो, लेकिन आपका क्या? ये सब कुछ प्राइस वॉर तो आपने ही शुरू किया। इतनी भारी भरकम फंडिंग के बाद भी आपने फायदे का एक रुपया नहीं कमाया और आप हम पर सवाल उठा रहे हो। आप हमें बताएंगे कि हमें कैसे अपना कारोबार चलाना चाहिए और कैसे हमारे खर्चे को कम करें। हम ग्राहक हैं, हम गोल्ड सब्सक्रिप्शन के लिए 45,000 रुपए देते हैं। आप अगर भूल गए हों तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमें अपनी सेवाएं देते हैं। वादे के मुताबिक एक बड़ी एक्सक्लूसिव सर्विस होगी और इसमें कुछ चुनिंदा ग्राहकों और रेस्टोरेंट्स को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी भी कारोबारी के लिए एक किसी एग्रीमेंट के लिए प्रतिबद्ध होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी जरूरत है। जब आपके निवेशकों को आपकी काली करतूतों के बारे में पता चला और उन्होंने आपका गोल्ड सब्सक्रिप्शन बंद करने को कहा तो आप हमें मेल के जरिए मनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी अगली योजना ने हमें बहुत धक्का दिया क्योंकि आप अगले प्लान को आजीवन चलाना चाहते हैं। जोमैटो एक जोक के समान है जो हमारे कारोबार का खून चूस रहा है। इसे गर्म तेल में तलकर कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए क्योंकि हम वास्तव में अपने खाने को गंभीरता से लेते हैं। हम एक मील दूर से ही भेड़ियों को सूंघ लेते हैं। आज देश भर में एक रेस्टोरेंट या सिर्फ फ्रेंचाइज ही नहीं बल्कि पूरा उद्योग परेशान है और आप हमें ग्राहकों के प्रति असंवेदनशील होने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। जोमैटो ने न कभी कोई टेबल सजा के दी और न ही कभी उसने अपने ग्राहकों के लिए भोजन पकाया। हमें पता है अपने ग्राहकों का सेवा सत्कार कैसे किया जाता है। हम पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं और हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। पर उल्टे जब आपके डिलीवरी बॉय अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने वेतन के लिए लड़ते हैं, तो उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। हम अपने कर्मचारियों को ऐसा कुछ नहीं करने देते जो वो नहीं करना चाहते हैं। उनके हितों का भी पूरा ख्याल रखते हैं हम। लेकिन ये बात आपको कहां समझ में आने वाली? आप कहते हैं हमारे पास फ्री चॉइस है, लेकिन आपने रेटिंग से पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है। इस वजह से हम अपने ही पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं। आपने हमें एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है और पूरी इंडस्ट्री को मजाक बना दिया है। हम तो तब से यहाँ हैं जब आप लोग दूध पीते बच्चे हुआ करते थे। हमने समुदायों और लोगों को बड़े प्यार से खिला पिलाकर बड़ा किया, न कि डिस्काउंट से। आपके वादे के भरोसे अब नहीं रहने वाले। आप तो अपने बिजनेस में खुद की एक अठन्नी नहीं कमा पाए तो दूसरों को कैसे बता सकते हैं। सच तो यही है कि आप उद्योगों की मदद के लिए आए ही नहीं। दो चीजें हैं जिनमें आप बेहतर हैं, एक डाटा और दूसरा उधार लिया पैसा, जो आपके हित में कभी नहीं होने वाला। ताकतवर होने की वजह से आप अपनी शर्तों को जबरदस्ती मनवाते हो। अच्छी सेल के लिए आपने सभी को आपस में लड़वाया। इस खत से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो जोमैटो के ग्राहक है या जो रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां से जोमैटो आप तक खाना पहुंचाता है, उसके मालिक जोमैटो के नए स्कीम से खुश नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, ये एक भड़ास भी है। आप सोचिए, एक रेस्टोरेंट मालिक की भड़ास है जो जोमैटो के साथ एक पार्टनरशिप करके या एक बिजनेस करके खुश नहीं है, क्योंकि जोमैटो जो कि एक धार्मिक भावनाओं के आधार पर खुद की दुकानदारी चलाता है, उसने बाजार पर भी कब्जा किया, रेस्टोरेंट पर भी कब्जा किया और रेस्टोरेंट के बाजार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसकी जगह वो खुद हावी हो गया, जो ना तो खाना बनाता है ना कोई एम्प्लॉय रखता है।
और उसके जो अपने एम्प्लॉय जो डिलीवरी बॉय के नाम से जाने जाते हैं उन्हें सैलरी भी नहीं देता, वो जोमैटो इस पूरे मार्केट को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। लेकिन जब ट्विटर पर आप जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और शायद उन्हें बहुत बड़ी जानकारी होगी। जोमैटो की पोल हाल के दिनों में खुल चुकी है। हावड़ा में कई डिलीवरी बॉय ने धर्म के खिलाफ खाना परोसने की मजबूरी को लेकर आवाज़ उठाई। इन लड़कों को धर्म के खिलाफ खाना देने को कहा गया था, जैसे कि अगर कोई हिंदू कस्टमर आपसे खाना ऑर्डर करे तो मुसलमान डिलीवरी बॉय उस तक खाना लेकर जाएगा। ये भावना जोमैटो पहुंचा रहा था और इसका काफ़ी विरोध हुआ। कोलकाता में कई डिलीवरी बॉय ने छोड़ तक दी नौकरी, लेकिन जोमैटो और उसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने भारी भरकम ज्ञान देकर अपनी ही कमी को ढकने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन याद रखिए, ये देश भारत है और यहाँ पर आपका धंधा तभी चलेगा जब आप पूरी तरह से ईमानदार हों, वरना चोरों की जगह यहाँ जेल में होती है।